लखनऊ के बांस मंडी चौराहे के निकट स्थित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बड़ी संख्या में कई जनपदों से आए हुए संविदा कर्मियों ने कई महीनों से तनख्वाह न दिए जाने का हवाला देकर हंगामा कर दिया और नारेबाजी करने लगे। संविदा कर्मियों का आरोप था कि उन्हें बिना किसी प्रकार की सूचना दिए हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और विगत कई महीनों से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचा है। ये सभी संविदा कर्मी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय के निदेशक कुणाल सिल्कू से मिलने आए थे, परंतु दोपहर बाद तक जब निदेशक कुणाल सिल्कू कार्यालय नहीं पहुंचे तो संविदा कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सब वहीं धरने पर बैठ गए। देखिए एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी के साथ। आज हम आए हुए हैं लखनऊ के बांस मंडी स्थित सेवायोजन कार्यालय में, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय में। यहाँ पर कुछ लोगों की आज भीड़ इकट्ठी है और इन लोगों की शिकायत है कि ये लोग यहाँ के कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी थे और पिछले विगत एक साल से लगभग इन लोगों को ना तो तनख्वाह दी गई है और आउटसोर्सिंग की तनख्वाह थे, संविदा के कर्मचारी थे ये लोग, और इनकी शिकायत है कि नहीं पिछले एक साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। आइए बात करते हैं सर, क्या है, क्या समस्या है आपकी? 2017 का वेतन नहीं मिला है, मई और जून का भी पड़ा हुआ है और प्लस मार्च का पड़ा हुआ है, ये तो मान लो 3 महीने को, कुछ लोगों का 5-5, 6-6 महीने का वेतन पड़ा हुआ है। हम लोग 4 बार यहाँ आ चुके हैं, इसके पहले हमारे डायरेक्टर विवेक सर आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बेटा आप लोग आए तो जो कंपनी का जिसको भी हम निर्धारित करेंगे उसमें आपको समायोजित करेंगे, लेकिन उनका इससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया। तो आपने अपनी शिकायत यहाँ के जो डायरेक्टर होंगे उनसे करी है, उनसे शिकायत अपनी? जी, 4 बार आज आपसे डायरेक्टर मिले यहाँ पर? आज वो आए नहीं, उन्होंने देख लिया कि ये माहौल है, वो आज नहीं आए। आज डायरेक्टर साहब, क्या नाम है डायरेक्टर साहब का? सिल्कू साहब है जी। अच्छा, इन लोगों का समायोजन हुआ था तो सरकारी एजेंसी को काम देते हैं ना, सरकारी एजेंसी को काम दिया गया था सरकारी एजेंसी को? हाँ जी सर। कौन सी एजेंसी है वो? यूपी डेस्को ने इन लोगों को भर्ती किया है, यूपी डेस्को के माध्यम से भर्ती हुए हैं। आपका कहने का मतलब है कि आपने यूपी डेस्को को पूरा पेमेंट दे रखा है 31 मार्च तक का, इन लोगों को यूपी डेस्को ने इनको नहीं दिया है? अगर किसी का कोई ये कहता है कि मेरा पेमेंट बाकी है तो हम लोग पिछली बार भी आए थे, कहा था हम दिखवा लेंगे, चेक करा लेते हैं, और ये वहाँ जाके बताएं कि हमारा पेमेंट आ गया है, हमें पेमेंट नहीं मिला है, पता है यहाँ पे जो स्थिति है। अच्छा, मतलब आप लोगों के हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है आप लोगों के हाथ से यहाँ से निकल चुका है, बट जो भी बाकी है वो यूपी डेस्को के हाथ से बाकी। आपके कहने का मतलब ये है हमारा पेमेंट हम यूपी डेस्को देते हैं, यूपी डेस्को ने जिस वेंडर से रखा था ये उसके माध्यम से काम कराते हैं, ये अपने एजेंसी ने रखा है उससे बात करें कि पेमेंट हमारा इसका नहीं आया, इसका नहीं आया। कि वही एजेंसी पूछ रहा हूँ, कौन सी एजेंसी है वो? यूपी डेस्को को दिया है हमने काम, यूपी डेस्को को आपने काम दिया है? यूपी डेस्को ने किसी लॉयल टेक वेंडर से जो भी है उससे काम दिया है। क्या क्या नाम है? लॉयल टेक यूपी डेस्को ने दिया है, यूपी डेस्को ने उनको दिया है। आपने पेमेंट यूपी डेस्को को कर दिया है?